सोमवार यानी कि 16 मई को वैशाख पूर्णिमा है और इसी दिन साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि पर ही लगता है। चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में लगने वाला है। भारत में इस चंद्र ग्रहण को देखा नहीं जा सकेगा, जिसके कारण सूतक काल भी प्रभावी नहीं रहेगा। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी खास बातें। आपको बता दें, 16 मई यानी कि सोमवार को लगने वाला चंद्र ग्रहण इस साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा और इस ग्रहण की अवधि कुल मिलाकर 1 घंटे 24 मिनट की होगी। भारतीय समय के मुताबिक चंद्र ग्रहण 16 मई सोमवार को सुबह 8:59 से सुबह 10:23 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। ये ग्रहण यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और एंटार्क्टिका में ही नजर आएगा। भारत में चंद्र ग्रहण नजर नहीं आएगा, ऐसे में यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। धार्मिक नजरिए से सूतक काल को अशुभ माना जाता है। आपको बता दें, चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल का समय ग्रहण के शुरू होने के 9 घंटे पहले लग जाता है। सूतक काल के दौरान किसी भी तरह के शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, ऐसे में इस बार इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं है। आपको बता दें, ये चंद्र ग्रहण विशेष ज्योतिषीय योग में लगेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में और शनि देव कुंभ राशि में विराजमान होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।